स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हमने आपको बता रहा हूं केपलर के ग्रहीय गति के नियम। ग्रहीय गति के नियम, तो केपलर ऐसा पहला वैज्ञानिक था जिसने कि इस बात को प्रूव किया था कि जो सूर्य होता है वो सभी ग्रहों का केंद्र होता है, पूरे सौरमंडल का। जो अपने सौरमंडल, इसमें आपके 8 ग्रह होते हैं और कई एक उपग्रह होते हैं, इन सब का केंद्र होता है और सभी ये ग्रह उपग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसका पहला नियम था सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार का मार्ग में गति करते हैं। यदि पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि भाई जो इनका गति का मार्ग होता है वो वृत्ताकार होता है, लेकिन केपलर ने कहा कि नहीं, ये मार्ग वृत्ताकार नहीं होता बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग होता है। तो ये है, यहां पर ये सपोज करो कि भाई यहां पर सूर्य है, तो ये सूर्य और ये कोई भी ग्रह है, ये चक्कर लगा रहा है इस तरीके से, ये घूम रहा है। तो इस तरह से सूर्य जो होता है वो, या सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह होता है वो लगातार चक्कर लगाता रहता है। तो इसमें सामान्यतः दो फोकस होते हैं, इनमें से एक फोकस पर सूर्य होता है, एक इसका फोकस यहां पर भी होता है। कोई ये हम इसका फोकस यहां पर F1 मान ले, ये फोकस इसका F2 मान ले, तो दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर सूर्य होता है। इसमें दूसरा ग्रह का क्षेत्रीय वेग समान रहता है, इसका अर्थ यह है कि जो ये भिन्न भिन्न जो एक ही समान समय अंतराल के अंदर ये समान क्षेत्रफल तय करता है। समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल किया जाता है। तो जैसे मान लो मैंने आपको यहां पर बताया, भाई जैसे सपोज करो कि भाई यहां पर है अभी, तो भाई और सपोज करो फिर ये यहां पर आ जाता है, तो ये इसकी स्थिति P1 होती है और ये इसकी स्थिति P2 होती है। तो यहां पर हम इसका क्षेत्रफल देख रहे हैं, ये क्षेत्रफल कितना होता है भाई। अब मान लो ये इसके बाद ये यहां पर आ जाता है इस जगह, अब यहां पर ये इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये तो हम इसको यहां पर डाल, तो ये पॉइंट मान लो P3 होता है, तो जितना समय यहां लगता है उतने समय इसका यहां पर लगे, तो ये दोनों ही क्षेत्रफल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। क्षेत्रीय वेग इक्वल टू डेल्टा I / डेल्टा t, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड।
हमें क्षेत्रफल का मात्र मीटर स्क्वायर होता है इसके अंदर, इसलिए मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसका ये देखें हम M1, P1, P2 क्षेत्रफल इक्वल टू फिर इसका ये M1, P2, P3 का क्षेत्रफल। तो ये समान समय अंतराल के अंदर समान क्षेत्रफल तय करता है। तो ये अपने ग्रह जो होता है वो अपनी वेग को इस प्रकार से बदलता है कि इसका समान समय के अंदर समान क्षेत्रफल तय किया जाता है। तीसरा है ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग सूर्य से ग्रह की दूरी के घन के समानुपाती होता है। ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग सूर्य से ग्रह की दूरी के घन के समानुपाती होता है, यानी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर की, या टी प्रोपोर्शनल आर रेशियो पावर 3/2। तो इन सभी नियमों का अध्ययन करके ही न्यूटन ने इसमें एक नियम दिया था जिसको हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। इन नियमों के आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तो ये जो नियम है केपलर की बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि सभी ग्रह और उपग्रह इसको फॉलो करते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।